मोतिहारी जिले के बलुआ गांव के सुधीर सिंह नाम के व्यक्ति ने मशरूम की फसल का उत्पादन शुरू किया है। वहीं संबंध में सुधीर सिंह का कहना है कि इस फसल के जरिए वो लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। आपको बता दें कि सुधीर सिंह लॉकडाउन के पहले नोएडा के एक निजी कंपनी में कार्यरत थे, जिसके बाद लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मशरूम की खेती अपने गांव में ही शुरू कर दी। गया जिले में भाकपा माओवादी संजय सिंह भोक्ता ने सीआरपीएफ 159 बटालियन मुख्यालय में आत्मसमर्पण किया। पुलिस का कहना है कि संजय सिंह पर कुल 5 नक्सल संबंधित मामले दर्ज हैं। भाकपा माओवादी ने कहा है कि उसे बहला फुसलाकर संगठन में जोड़ा गया था। वहीं पुलिस महानिरीक्षक हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि संजय सिंह को बिहार सरकार के नियमानुसार समर्थन दिया जाएगा। बदलुआ की से जैसे चलो से हम तरफ फैसला के जमीन के कर देंगे, घर बना देंगे। ये लाला जी के मेरा ले गया, लेला ले गया के बाद में ही कुछ दिन हो गया, कुछ दिन होगा के बाद वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। ये हमारे पास आज सूचना थी कि कुछ साथी इनके पुराने आत्मसमर्पण की जो डेवलपमेंट है उससे प्रेरित होकर के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, और हमारे आसूचना के अधिकारियों ने इनसे संपर्क स्थापित किया, इनको उत्साहित करते रहे, इनको सुरक्षित माहौल का सुरक्षित तरीके से निकलने का रास्ता सुझा। जमुई जिले के झाझा रेफरल अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल बंध्याकरण ऑपरेशन कराने आए मरीज बेड ना होने के कारण जमीन पर ही लेटकर रात गुजारने लगे। मामले की खबर मिलते ही नेशन न्यूज संवाददाता ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मसौड़ी में पुनपुन थाना पुलिस ने रसिल चक के नजदीक शराब की डिलीवरी करने जा रहे धंधेबाज को रंगे हाथों दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 80 लीटर शराब भी बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुनपुन एसएचओ कुंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक श्रवण कुमार बेउर थाना का निवासी है। अगली खबर भी मोतिहारी से आ रही है, जहां पर आरजेडी के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सुगौली के आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह और अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम शुरू होने में देरी के कारण ऐसी नौबत आई है। कार्यक्रम मुख्य रूप से अति पिछड़ा राजद के द्वारा यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए, और चुनाव कभी भी हो सकता है, यह सरकार जो है कभी भी गिर सकती है, इसकी मर बहुत सारी संभावनाएं हैं। और इस कार्य संगठन को मजबूत करने तो बैठक रखा था पदाधिकारियों का। हमें काफ़ी दुख हुआ, मैं दुख के साथ यह कह रहा हूँ, आप सभी को जो है बताना चाहता हूँ। और हमारे पार्टी के पदाधिकारी अति पिछड़ा राजद के तमाम पदाधिकारी सुगौली विधानसभा के यहाँ पर उपस्थित, बहुत दुख हो रहा है मुझे कि विधायक जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिनके सम्मान में हमने। अगली खबर झारखंड से आ रही है, जहाँ पर चंदवा में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि छात्रा खाना खाने के बाद अपने कमरे में गई, और फिर सुबह देर तक नहीं जगने के बाद जब परिजन छात्रा के कमरे में पहुंचे तो छात्रा का शव फंदे से झूलता मिला। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर इस क्षेत्र में यह दूसरा सुसाइड का मामला है। वहीं परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। वहीं खरसावा जिला मुख्यालय में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी होमगार्ड जवानों को मानदेय सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। वहीं इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो 8 मार्च को राज्य के सभी गृह रक्षक राजधानी रांची पहुंचकर विधानसभा का घेराव करें। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
मांग यही है कि बिहार के तर्ज पर समान काम जो झारखंड राज्य के गृह रक्षकों को नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संघर्ष यात्रा में आश्वासन दिया था कि मेरे कलम पे ताकत आएगी तो मैं जरूर झारखंड होमगार्ड जवानों को बिहार के जैसे 365 दिन ड्यूटी, समान काम का समान वेतन दूंगा। लेकिन आज 2 वर्ष होने को है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इस संबंध को लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया है कि 1 मार्च को। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।